नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और ढोलक का ताल। बहुत सारे लोग की फरमाइश आ रही थी कि मैम हम लोग को इजी से इजी कोई स्टेप बताएं, तो जी हाँ, आज मैं आप लोग के लिए वही लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा ताल है और ये ताल जैसे कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा सरल है, तो इसे आप जरूर सीखें। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और आई होप आप लोग को मेरे सारे वीडियो बहुत ही पसंद आते होंगे। आप लोग का कमेंट जब आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को तो लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन हम लोग को जो मिलता है आपके थ्रू, इस लाइक और कमेंट के थ्रू ही मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं है। हम आपको सिखाते हैं, आप सीख जाते हैं। तो अगर आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो तब मुझे भी पता चलता है कि मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। व्यूज तो बहुत आता है बट लाइक नहीं आता है, कमेंट भी नहीं आते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा हताश मन में होता है कि क्या मैं करूँ जिससे आप लोग पसंद करो। तो अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए मेरे वीडियो को और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए, मैं आप लोग को बहुत इजी स्टेप लेके आई हूँ। जो आज बताने वाली हूँ ना, वो सच में आपको तुरंत आ जाने वाला ताल है और बहुत बेहद ही सरल तरीके से मैं आप लोग को आज बताऊंगी। और ये जो है, ये ताल जो है आपको सुंदरकांड या दोहा, जो भी है रामायण की चौपाई, आपको सारे सॉन्ग सारे पे ही बजने वाले ताल हैं। तो आज जो ये ताल है केवल वन ताल है और सब पे ऑलराउंडर ताल है, तो आप इसे जरूर से जरूर बजाना सीखना, ठीक है। तो जिसके जिसके पास ढोलक है वो जरूर ढोलक लेके आए, मेरे साथ प्रैक्टिस करें जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो आइए, मैं आप लोग को अब बताती हूँ कैसे बजाना है। सिंपल सा, पहले आपको देखो, पहले सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूं, बेस साइड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि अगर आप बेस साइड आप अच्छे से बजा रहे हो तो आप अगर चाटी के साइड थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सुर बहुत ही अच्छे निकलेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। वन दो बेस आपको बंद भी मारना है और वन बेस आपके खुले बेस पे चलेंगे, ठीक है। वन टू थ्री, 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 यही आपको मारना है बेस साइड। अब चाटी के साइड, आपके चाटी के साइड भी वैसे ही चलाना है जैसे उधर चलाना, बस इधर क्या है फिंगर चलेंगे और काउंटिंग आपकी केवल थ्री ही रहेगी। वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स, 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 फोर फाइव सिक्स। देखिए बिल्कुल वैसे ही गिर रहा है जैसे फिंगर के साइड, जैसे चाटी के साइड गिरता है, बिल्कुल वैसे ही है। बस इसका जो काउंटिंग है अलग है और इसका जो गिरने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, फाइव पे आपका इंडेक्स फिंगर गिर रहा है और गुरु फिंगर आपका फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स। आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं, आप ऐसे बजा सकते हैं, आप काउंटिंग करके बजा सकते हैं, पड़े आप वैसे ही बजाएं ढोलक, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बजाओ, ऐसे नहीं, जैसे मन आपका, जैसे हैंड चलता वैसे चलाओ, ठीक है। बट क्या है, आपकी काउंटिंग सही होनी चाहिए और रिदम आपकी सही होनी चाहिए। और अगर शुरू शुरू में कोई सीखता है, आप ढोलक के आप हाथ रखने भी नहीं आते हैं, तो किसी तरीके से आप बजाओ, ठीक है। आपके ढोलक पे हैंड गिरने चाहिए, हाथ आपके फिंगर चलने चाहिए, बट ये मायने रखता है। और जब आपके अच्छे से थोड़ा सा चलने लगे, धुन वगैरह निकलने, तब आप काउंटिंग पकड़िए, नहीं तो आप कैसे भी मारो। आपको ढोलक सीखना है, बस ढोलक मारते रहो, इधर उधर से बजाते रहो, आपको तभी आएगा कोई चीज। देखिए, किसी चीज में सीखने के लिए हाथ तो डालना ही पड़ता है, चाहे कोई काम पहले गलत होता तब जाके सही होता है, या पढ़ाई में देख लीजिए, पहले आप बहुत मेहनत करते हो, एक बार दो बार क्वालिफाई नहीं होता है तो आप बहुत हताश हो जाते हो, फिर तीसरी बार जब आप तैयारी करते हो तो होता है। तो वैसे ही ढोलक है, आप अगर सोचते हैं कि तुरंत आ जाए तो ऐसा नहीं है, आप किसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आपको जरूर आएगा। और ये तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आपको जरूर आएगा, इस चीज के लिए आप ठान लीजिए। कोई काम बिल्कुल
अगर आपके आप नहीं करोगे फिर कौन करेगा। इंसान के बस में ही होती है हर काम को सफल बनाना, ठीक है। तो आप उसे करें, बिल्कुल हताश ना हो, जो ढोलक बजाने नहीं आएगा। देखिए मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, मैं हर वीडियो में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ जिससे आप हताश ना हो कि मुझे ढोलक बजाने नहीं आएगा, ठीक है। आपका ग्रुप फिंगर, फाइव पे आपका इंडेक्स फिंगर, फिर आपका फोर, आपका सिक्स पे ग्रुप फिंगर होगा। फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री 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 के बाद ही आपका इंड इधर चाटी के साइड चलेगा। देखिए हम लेते हैं जैसे रामायण की ही। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजुर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, जाकर नाम सुनत सुभ होई, मोरे की है प्रभु सोई। तो आप ऐसे उठा के कोई भी चौपाई आप भजन या रामायण भी गा सकते हैं। इस पे हर एक ताल चलेगा, ये ताल जो है ना आपका ऑलराउंडर ताल है, किसी भी भजन पे भी गा सकते हैं। परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक बार और यहाँ पे बता देती हूँ। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, आपको इधर के बाद तब आपको चाटी के साइड बजाना है, बिल्कुल इधर टच ही नहीं करना है कि कब इधर। आप ये कंफ्यूजन वाला आपको ये ताल नहीं है, बिल्कुल देखिए इजी वाला है। एक दो तीन चार पाँच छ, आप इधर खत्म करके फिर आप इधर चाटी के साइड बजाइए। एक दो तीन चार पाँच छ, 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 एक दो तीन चार पाँच छ। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ताल है, तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन मत रखिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे बजाने नहीं आएगा। ये ऐसा ताल है कि जैसे कहा जाता है ना, दुनिया का सबसे अच्छा ताल है ये, यही मान लीजिए। तो आप इसे जरूर सीखें, बहुत ही अच्छा ताल है। अगर आपको बजाने नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मुझे नहीं आया, सबको आएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसे वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ पसंद आया हो तो जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से ही ना जैसे होता है ना कि मुझे और जोश मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक अच्छी वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुस्कुरा